खांसे में तो एटलीस्ट है ही, शायद मानसून में और अच्छी हो जाती होगी ग्रीनिंग, ये लश ग्रीन हो जाते होंगे पूरे। सड़क भाई साहब, अब जाके सड़क मिली है, टारमैक सड़क वही है। एक तो जगह तो ऐसे स्पीड में उतरती रहती है, एक्सीलेटर तो दे नहीं रहे, क्लच भी नहीं मारना, ब्रेक मारना है, कहीं इकट्ठे आते हैं फास्ट पूरी गाड़ी है, सामान इधर से उधर, मोबाइल नीचे, लिपस्टिक बाहर, तो चार आदमी बाहर गिर जाते हैं, खोजना पड़ता है वापस जगह पर, खोजाना रहती है ना, ग्रेविटी भी पुल कर रही है नीचे इतना तेजी से, जहाँ खत्म होता है हम लोग बाएं से आए थे, ऊपर चले गए काजा के लिए सीधे सीधे सामने स्ट्रेट, जाओ चलती जाओ, बोलते हैं उर्लिंग में जल्दी से खाने पे, वो देखो वो नीचे देखो नीचे, क्या यार मत हेलो भी, कैसी जगह है, ऑसम एकदम सारे टेरेस, यहाँ देखो एक ही स्ट्रक्चर है, डिजाइनिंग किस पे की है, इतने भयंकर आर्किटेक्ट, सामने जो बर्फ का पहाड़ दिख रहा है अभी देखना छोड़ा ही नहीं भाई, पूरे चिटकुल के आगे से नारकंडा से इवन दिख ही रहे हैं, बोलो पता नहीं उसके हम लोग कितना आगे निकला है, जितने दिख रहे थे जायंटिक माउंटेन्स टॉप डिस्कवर द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड डेमुल टॉप, यहाँ पर पड़ता है, ये वही जगह है क्या डेमुल टॉप ही है, कौन सी डेमुल टॉप, देखो उसी जगह की फोटो है, उसी माउंटेन की फोटो है, यहाँ पे गर्मियों में थोड़ा है वो माउंटेन पहले और पीछे बैकग्राउंड में वो माउंटेन आ रही है, बैकग्राउंड वही माउंटेन पे गई होगी, कह रहा हूं फोई फेस वही है, उर्लिंग कुछ चेक पोस्ट वगैरह के, ठीक है इंडियन पोस्ट ऑफिस आयुर्वेदिक हेल्थ केयर, और समदो समदो लिखा अभी भी डिस्ट्रिक्ट समदो होगा ना, अच्छा हर्लिंग विलेज जैट किलो, वाह क्या ग्रीनरी है, बैरन माउंटेन्स के बीच में बादाम के, बादाम या सेब है कुछ, बादाम है पूछो भाई से, ये जो पेड़ है ये किस चीज के हैं, ये सेब के पेड़ है, ये फूल आर के से, क्या आवाज है, आई लाइक इट, कैमरा की नजर से अगर दूर दूर तक देख रहे हो तो कोई नहीं है, वाकई मेरे हम लोग से एक घंटा हो गया यार रुके, कोई गाड़ी क्रॉस नहीं की, पूरी ऑफ बीट ट्रैवल है भाई हम लोग की, ये लक कह लो किस्मत कह लो कुछ भी कह लो, सड़क एक नंबर, भगवान पूरा साथ दिए, गाड़ी सही परफॉर्म कर रही है, फुल फन फुल पावर, तो बहुत चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो ऐसे आप ट्रैवल करो बस से, आपको कनेक्टिंग बस मिलेगी, ऊ तक की तो डायरेक्ट बस मिल जाती है, दिल्ली रेकॉन्ग भी आपको मिल जाती है, रेकॉन्ग भी के बाद आप कहीं भी जाओ काजा जाओ तोड़ तोड़ के आपको बस मिलेगी, बट हाँ रुकना पड़ेगा आपको उसके लिए, सामने पहाड़ दिख रहा है दाएं हाथ पे, कैसे भाई इसीलिए बोलते हैं मोस्ट डेंजरस रोड गाजा 59 है, लेकिन सामने देखो, अरे भाई सामने देखो भाई क्या बात है, ये कैसा स्ट्रक्चर है यार, ओ सामने वो वाले पहाड़ देख लो भाई उधर के, देखना ध्यान से अभी कितना अलग स्ट्रक्चर है भाई, देखो तो ओ भाई एंड डूम्स वाले एकदम हवा से कटेंगे ना, और आप लग रहा है स्पीति की फीलिंग, ऊपर देखो खतरनाक भी उतना ही है, ओ पत्थर तक गिरे भाई, नीचे देखो यार सामने देखो यार कितनी खूबसूरती, ये रुक नहीं चलो वैसे कंपनी वाली एडीसी जा रहा है, एकदम गुस्से में जा रहा चलाते हुए भाई, फुल
कंट्रोल में, बहुत अलग है यार लैंडस्केप्स भाई साहब, कोई मैच नहीं, कैच का कोई मैच नहीं। कैसे स्पिति लीवर के पास कैसे बीच में गिरा है गुम्मा टुकड़ा, उस पर फ्लैग्स भी लगे हैं, कुछ है यार वहाँ, लोग पूछे होंगे, एक ट्रॉली पुल है भाई, ब्रिज है, चलेगा बीच पे भाई, रोड टू गाजा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रोड टू गाजा, एज मच एज जितना डेंजरस है ना ये, वो देख के ही लगेगा सामने से, कैमरे में नहीं पता चलेगा भाई, उतना ही डेंजरस है, ये तो रास्ते हैं इसके, राजा तो सुंदरता के मामले में होगा, नीचे स्पिति रिवर कितनी दूर तक हम लोग के साथ है, कुछ नहीं तो 111-112 किलोमीटर तक बहती होगी और पीछे भी, मतलब काजा ओरिजिन पॉइंट हुआ स्पिति रिवर का, तो सतलज है ये, सतलज मेन पॉइंट है, स्पिति वैली से जो आ रही है उसको स्पिति रिवर बोल देते हैं, बदल गया लैंडस्केप भाई, कैसे वाइड स्प्रेड, अभी ये देखो राइट में यहाँ नाला है समझ लो भाई, खुला है यहाँ पे पानी, ये खुला है यहाँ, फोटो खींच सकते हो, फोटो खींच सकते हो, यहाँ ओपन है पूरा भाई, ये वैली बहुत सही आई, यही रुको इधर से देख सकते हो यार, कैसी सड़क है, राइट हैंड पे पूरे वो गिट्टी वाले पहाड़, सामने आपको स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं, लेफ्ट में सिर्फ सेब के पेड़ लाइन से, बाप रे भाई साहब हवा ऐसी चल रही है यार, बहुत सही है, बहुत असम है भाई, गजब एक्सपीरियंस है यार, ऑलमोस्ट तो यही लग रहा है मुझे, पहुंच ही गए हम ताबू, नाको छोड़ के ताबू आ गए, काजा भी आ जाएगा, बेल्ट है पूरी और क्या, नेचुरल उधर ग्लेशियर कैसे जमा हुआ है पहाड़ के अंदर, यहां से दिख रहा है वैली यार कितनी, वो देखो स्पीति रिवर कहां से आ रही है, आगे मोड़ है, कृपया हॉर्न बजाएं, हॉर्न बजाएं, हॉर्न बजाएं, ये देखो सामने ये लकट कितना भयंकर है, ऐसे पत्थर अटके हुए हैं, एक जोर की हवा और नीचे भाई, वो देखो ऊपर कैसे बने हुए हैं ना, और एकदम अलग है यार, कभी नहीं देखे इस तरह की हवा, सही है ये सब, इतनी चौड़ी वाइड वैली है यार, मैं पहुंच गया ताबो, दिस इज ऑल ताबो इज, दिस इज एवरीथिंग, राइट हैंड में खूब पेड़ जो सेब के हैं, पॉसिबली अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बस अब बहुत अच्छी जगह है वैसे ताबो भी यार, देव चैन रिट्रीट, ताओ थे हिमालय पटेल, बहुत होटल है भाई रुकने के बहुत सारे, सामने देखो यार क्या ही दिख रहा है पहाड़, आगे निकलते हैं, उस पे से बर्फ गई नहीं है यार, वो काजा होगा ना भाई साहब, कैसे, अरे वो नहीं है रियो पुर्गिल तो नहीं है, रियो पुर्गिल पीछे गए, रियो पुर्गिल यहाँ कहाँ दिखेगा, रियो पुर्गिल के पैर पे थे हम लोग, लोग चला रहे गाड़ी, क्या बात है, कहाँ है, है यार, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसी चेंज हो रही लैंडस्केप भाई, ये पहाड़ अलग है एकदम सच में, वेलकम टू ताबो ब्रिज, यो गाड़ी रुकना यहाँ मना है, मैं इधर रुकता हूँ, सही रुका है भाई ताबो ब्रिज, हाँ रुक जा मैं सही साइड सीन पे आ रहा हूँ, बहुत बेहतरीन भाई साहब बेहतरीन, ओहो दाएं बाएं की क्या वैली है यार, बहुत अलग शहर, शेडी प्लेस है, बहुत शेडी प्लेस, जल्दी से यहाँ से निकल जाना सही है, एक मोड़ पे ऐसे व्यू चेंज हो रहा है, तारीफ क्या है यार, उफ़।
स्पीति रिवर तो ऐसे एस 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 हर जगह एस शेप में दिख रही है, इसीलिए स्पीति नाम है क्या इसका, पूरा एस में बसा है। तो स्पीति मतलब होता है विंटर लैंड, विंटर डिजर्ट, ऐसा रियल विंटर डिजर्ट है। ऊपर देख लो यार, नदी के साथ साथ चल दिया, जस्ट बगल में नदी स्पीति रिवर, सामने देखो कितनी दूर से ये चीज़ देख रहे हैं और जस्ट उसके नीचे आ गया, कितना बड़ा है भाई, ये भी काजा नहीं है पता है, काजा अभी भी वही लग रहा था कि वहां तक होगा काजा, अरे काजा क्या है, काजा पता नहीं लग रहा इसके पीछे, काजा तो छोटा शहर है, ये सब तो बहुत ऊंचाई पे है, ये और दूर, ये और दूर है। 30 30 30। अच्छा यार ये बहुत ज्यादा रफ है, शायद खत्म भी हो गया अभी, तब से झेल रहे थे ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, पहले वो निकलो, इतना ज़्यादा खतरनाक था, बगल में एकदम रफ रफ एज और बालू के पहाड़, कंकड़ के पहाड़, अगर गिरेंगे मेरे ऊपर ऐसा श्योरिटी लग रही थी गिरेंगे ही गिरेंगे। अभी भी देख रहे हो काजा जितना पास आ रहा है स्ट्रेच उतना टफ होता जा रहा है, तो चैलेंजिंग नहीं है 44 वालों के लिए, तो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, इसके लिए भी नहीं हो रहा है, चलती जा रही है, खतरनाक है, आप नीचे गिरने का डर ज्यादा है, ऊपर से कुछ आपके ऊपर ना गिरे, बहुत बड़ा डर है, बच के चलना, ऐसी स्पीड लिमिट है यहाँ पर, देख रहे हो सड़क गाड़ी चल रही पूरी, रोड्स टू नो रोड्स डालने का, ऑसम ऑसम बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, इसके अलावा हम लोग कुछ कह ही नहीं पा रहे वापसी जाते समय पता नहीं क्या वक्त जाते समय अभी पहुंचते ना, मैं तो हर एक व्यूज बस हम लोग खींच रहे हैं अपनी तरफ, रोक लो गाड़ी कहाँ, 111 किलोमीटर सुबह से हम लोग चल ही रहे हैं, 111 किलोमीटर नहीं कम्प्लीट हो पा, बहुत टाइम लगता है भाई, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी एवरेज स्पीड 20 है। काजा 6 बजे, तो ज्यादा ही मजे करते हुए जा रहे हैं, बगल में स्पीति रिवर जा रही थी, दुल्ले हैं फोटो की जा रहे हैं, इंस्टा तो पूरा अपडेटेड है, धनकर जाने का रास्ता 8 किलोमीटर ऊपर है, काजा 24 किलोमीटर 6 किलोमीटर, धनकर ऊपर ये जा रहा है, गोम्पा धनकर गोम्पा जाया जा सकता है, 8 किलोमीटर तो यही चलना जम जाता है मेरे ख्याल से, दिखाते जम जाता नहीं बोला, हाँ इसी के तो वीडियो आता है, वो जो विकास लोग डाले थे बोला जमा हुआ था, इसी की वीडियो डाल देता हूँ। हाँ ये तो
14 किलोमीटर मुद, अच्छा मुद विलेज, मुद विलेज है सारे मल्टीपल आइटमरीज बन गए हम लोग की। देखो कौन सी क्यूट होती है कल की। वैसे कवर कर, अगर कर सके जल्दी जाओ ना तो हो जाएगा। एक साइड का कवर करोगे ना फिर दूसरी साइड का कवर करोगे। पहले सुबह उठोगे तो सबसे पहले चलते हैं चीचम। बिल्कुल सुबह 7 बजे अगर निकल जाते 7:30 बजे हाँ मतलब निकल जाए खाना मतलब नाश्ता वाश्ता करके 8 बजे निकल जाओ। उसके बाद आराम से चीचम गए। मक्खन की तरह सामने कुछ गाँव दिख रहा है। क्या है लारा हो गए हैं अभी तो तुम्हें आगे कभी चीज चल जाता है कि हिप पर लगता हूँ मैं देख रहा हूँ कैसा दिख रहा है फिर लौटोगे पिन वैली डंकर टाबू नेस्ट्री जो चीज देख रहे हो उसके पास पहुंच जा रहे दोनों। लारा आ गया क्या है अच्छा अच्छा ऊपर का था यहाँ पर सेब वगैरह होते हैं क्या होते हैं खेती में। लोसर 65 किलोमीटर लिखा है। अच्छा खेती वेती में क्या होता है यहाँ पर मतलब बेसिक चीजें बनती हैं बाकी सब बाहर से आ जाता है आसानी से ट्रक से। पहली ग्लिम्स ये सनसेट फाइनल डेस्टिनेशन काजा पर जो सोच कर निकले थे वो पूरा हो गया। ये हमारी एटलीस्ट एक क्या बोलते हैं उसको हम लोग ऊपर जाना है। अच्छा अच्छा काजा पेट्रोल पंप है। 400 किलोमीटर रेंज